हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो इससे पहले भी मैंने व्लॉगिंग टिप्स पे एक वीडियो बनाया था जो कि टॉप 5 में रैंक कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सोच लिया कि क्यों ना दूसरा पार्ट भी बना दूं व्लॉगिंग टिप्स के बारे में। सो अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू शेयर 3 मोर टिप्स अबाउट व्लॉगिंग, कि आप अपने व्लॉगिंग में कंटेंट कहाँ से ढूंढेंगे। सो हियर वी गो, लेट्स गो। तो जनरली एक बात बता दूं, लोग आपकी वीडियोस में तब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे जब तक ये तीन चीजें आपकी वीडियोस में ना, फर्स्ट स्टेबलाइजेशन, सेकंड वॉइस क्वालिटी और थर्ड आई कॉन्टेक्ट। और इन तीनों चीजों के लिए आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। स्टेबलाइजेशन के लिए एक ट्राइपॉड चाहिए और वॉइस क्वालिटी के लिए एक माइक और थर्ड आई कॉन्टेक्ट के लिए एक चश्मा। तो ये थर्ड वाला आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा मेरी तरफ, लेकिन सीरियसली इस बात को बहुत नोट किया जाता है। अगर ट्राइपॉड और माइक की बात है, अगर वो खरीदना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वहां से खरीद सकते हो सस्ते दामों, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन लॉकडाउन के बाद खरीद लेना, अभी नहीं मिलेगा। तो जहां तक आई कॉन्टेक्ट की बात है, आई कॉन्टेक्ट अपने व्लॉगिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोल अदा करता है और इससे आपकी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट अच्छी बन जाती है। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास तो कैमरा होगा नहीं, सो आप अपने फोन से शूट करते होंगे। सो अक्सर फोन के साथ क्या प्रॉब्लम रहता है कि हम शूट करते समय अक्सर अपने स्क्रीन की तरफ देखते हैं, हालांकि हमें कैमरे की तरफ देखना चाहिए ताकि ऑडियंस के साथ आपकी आई टू आई कॉन्टेक्ट रहे, जिससे लगे कि आप उनसे बात कर रहे हो। तो ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है वीडियो को इंटरेस्ट बनाने के लिए। पहले आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी, इसीलिए उस दिक्कत को खत्म करने के लिए एक चश्मा लाइए, चश्मा लगाकर शूट करें, प्रॉब्लम सॉल्व मैन। तो अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो इन तीन टिप्स को आप अपने हर व्लॉगिंग में अप्लाई करेंगे, इन तीन चीजों का हमेशा याद रखेंगे। सो टिप नंबर 1 इज सीन्स बिफोर स्टार्टिंग। आप अपनी वीडियो में बोलने से पहले सीन्स को दिखा दीजिए। जैसे आप वीडियो शुरू करोगे, आपके वीडियो सीन से शुरू होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के पहाड़ों को दिखाओ, रोड्स को दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई सिनेमेटिक शॉट्स दिखाओ, उसको दिखाने के बाद आप बोलना शुरू करोगे। इससे वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है, जैसे कि मैंने इस व्लॉग को शुरू किया। टिप नंबर 2 स्क्रिप्टिंग। ये बहुत ही अक्सर यूट्यूबर्स ये बिल्कुल नहीं करते स्क्रिप्टिंग, मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन स्क्रिप्टिंग जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इसमें। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो आप न ज्यादा बोलते हो न कम बोलते हो, बल्कि जो आपको बोलना होता है आप टू द पॉइंट बोल पाते हो। तो इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था और ये है मेरे हाथों में। और स्क्रिप्टिंग करने के बाद ना आप ना ज्यादा बातें कर पाते हो न कम, टू द पॉइंट आप जो कहना चाहते हो आप बोल पाते हो आराम के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ। एंड द थर्ड टिप इज बी नॉर्मल, बिहेव नॉर्मल। नॉर्मली बात करें तो आप समझाना चाहते हैं नॉर्मली समझा सकते हो, आपको कोई ये व्हाट्सअप आड़ीस ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आता कोई लोग कुछ ज्यादा जैसे कि ओवर जूम वगैरह ये वो करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिंपली जो आपका नेचर है उसी हिसाब से बात करना है। अब आपका नेचर लेजीनेस है तो आप लेजीनेस के साथ बात नहीं कर सकते। बी नॉर्मल, ना आपको ज्यादा हाई होना है ना लेजी रहना है। नॉर्मली आपको जो बातें कहनी अपने व्लॉग में, जो स्टोरी आपको कहनी है वो आप नॉर्मली बता दीजिए, बाकी ऑडियंस समझ लेगी भाई। तो इन तीन टिप्स का आप अपने हर ब्लॉग में यूज करेंगे तो आपकी ब्लॉग की लेवल जो है यहाँ से यहाँ जरूर पहुंचेगी। सो होप सो कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ी मोटिवेशन भी मिली होगी। सो अगर आपको सच में पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप भी मुझे कोई व्लॉगिंग टिप्स बताना चाहते हो तो बता सकते हो, आप बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई अस्सलाम वालेकुम।